और कमीने ने सबसे पहले जो कमेंट मारा वो है कि साले तेरा टी शर्ट चेंज कर। अभी 2 तारीख को यहाँ पे ग्रैंड इवेंट है। इस वक्त जो ऑडियो आप सुन रहे हो मेरी, वो 35,000 रुपए के माइक से सुन रहे हो। पूरी बॉडी मेरी डिहाइड्रेट हो गई थी। बाहर की तरफ से आप इसे पढ़ोगे तो कुछ भलता सा ही नाम हो जाता है। कभी आप भी बीच पे जाते हो या कहीं ट्रैवल करते हो, गो फॉर इट। लेकिन देखिए, एक छोटा सा आइलैंड जैसा बन गया है वो। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तू बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलता है। गुड मॉर्निंग गोवा, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल परेश जैन। तो आज जो है गोवा में मेरा दूसरा दिन है। कल की बाइक राइड जो थी बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही जबरदस्त राइड की है। पूरा शरीर थक चुका था और बैक को भी रेस्ट चाहिए था, तो काफ़ी सारा कल रेस्ट किया। कल कोई पार्टी नहीं की मैंने। और एज ए यूट्यूबर उठने के बाद सबसे पहला काम होता है कि कल का जो डेटा है उसे ट्रांसफ़र कर लो हार्ड डिस्क में। तो वही काम चल रहा है और ये तो होते रहेगा। लेकिन उससे पहले दिखा दूँ कि इस वक्त मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ वहाँ से व्यू कैसा है। चलिए मैं आपको मेरे साथ लेके चलता हूँ। तो इस वक्त जो है मैं हूँ अश्वेम बीच पे और ये बैल्कनी के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। दो तारीख को यहाँ पे ग्रैंड पार्टी होने वाली है इसी जगह पे, तो बहुत मजा आने वाला है। वो भी शूट करके आपको दिखाऊंगा। वैसा कि इस एरिए में बहुत बार आ चुका हूँ, बहुत घूम चुका हूँ, लेकिन इस बार इस अश्वेम बीच को एक नए अंदाज में शूट करूँगा। अभी जो है रूम से निकल गया हूँ और इट्स टाइम टू हैव अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट ओवर हियर। तो जाएंगे नीचे रेस्टोरेंट में और ब्रेकफास्ट करेंगे और दिन की शुरुआत जो है वहीं से आज की होने वाली है। फिर आके थोड़ा सा ऑफिस का काम भी है, तो वहीं बैठ के थोड़ा ऑफिस का काम भी करूँगा और उसके बाद जो है सीधे जाएंगे बीच पे। तो होटल का नज़ारा कुछ दोस्तों ऐसा है, दिखा देता हूँ मैं आपको क्या है यहाँ से। ये देखिए, मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो चलिए आपको भी ले चलता हूँ साथ में। पिछली बार जब यहाँ पे आया था तो मैंने प्राणा कैफ़े में देखा था कि सर्फिंग बोर्ड पड़े थे काफ़ी सारे, लेकिन मैंने कभी यहाँ गोवा में किसी को सर्फिंग सिखाते हुए या करते हुए देखा नहीं था। तो आज पहली बार देख रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे ठीक पीछे वहाँ पर काफ़ी सारे लोग सर्फिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें सिखा भी रही हो, कि कुछ क्लासेस भी चल रही हो, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर इसका बाकायदा कोर्स होता है, आप भी चाहो तो यहाँ पर आके सर्फिंग कर सकते हो। अगर कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे पास मिली तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डालूँगा ताकि आप भी यहाँ पर आओ तो उसे सीख सको। ब्रेकफास्ट भी हो गया दोस्तों और ऑफिस का सारा काम भी था जो कि आधे घंटे बैठ के मैंने पढ़ा दिया है, ताकि मेरे एब्सेंस में मेरे ऑफिस में पीछे मेरे कारण कोई काम नहीं अटकना चाहिए। तो सब कुछ कर दिया है। अब सीन ऐसा है कि सनस्क्रीन लेके नहीं आया और बहुत कड़क धूप है, बिना सनस्क्रीन के बीच पे जाना बहुत रिस्की हो जाएगा, स्किन पूरी ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने रूम में जाके लैपटॉप रखता हूँ, फिर पास के किसी शॉप में जाके वहाँ से सनस्क्रीन ले लूँगा और फिर वापस रूम में आऊँगा और उसके बाद सीधे बीच पे चलेंगे। फर्स्ट करते वक्त आदित्य का वीडियो कॉल आया, तो जैसा ही मेरा चेहरा देखा और कमीने ने सबसे पहले जो कमेंट मारा हुआ है कि साले तेरा टी शर्ट चेंज करे। जब भी तू कभी गोवा आता है तो एक ही टी शर्ट में तू दिखता है। तो भाई एक बात बता, कभी महेश भट्ट को कॉल करके बोला कि 365 दिन इतने सालों से ब्लैक शर्ट ही क्यों पहनता है तू? कभी मार्क को फ़ोन किया, मार्क अपना फेसबुक वाला, फेसबुक का ओनर, 365 दिन 365 डेज भाई साहब ग्रे टी शर्ट में ही होते हैं। मुझे दोस्त है इसके लिए तू फ़ोन करके बोल सकता है कि भाई टी शर्ट चेंज कर दे रहा है, हर वीडियो में एक टी शर्ट मत पहना कर, ये भाई मेरा सिग्नेचर टी शर्ट है, जब भी गोवा आता हूँ तब पहनता हूँ ये। लेकिन फिर भी ठीक है भाई, दोस्त की बात की इज्जत रख रहा हूँ और तेरे चक्कर मार्केट जाके नया टी शर्ट ले रहा हूँ मैं अभी। भाई साहब अनिल के कहने के चक्कर में, अनिल यानी कि आदित्य, आदित्य के कहने के चक्कर में ये नया टी शर्ट बिना मतलब का तेरे चक्कर में 350 रुपये का खर्चा। और दूसरा ये तो खैर ज़रूरी था, ये तो अनिल ने नहीं कहा था, आदित्य ने नहीं कहा था, मैंने लेना था मुझे। तो दोनों काम हो चुके हैं और अब यहाँ से सीधे जाएंगे बीच पे। तो अभी आपको मैं ले चलता हूँ इस रिसोर्ट से सीधे बीच की ओर। देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है, आ जाओ मेरे पीछे। तो ये जो है यूकियो का जो है सिटिंग एरिया है, जहाँ बैठ के आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो। और ये जो है इसका पार्टी लाउंज है, जहाँ पे अक्सर सैटरडेज़ को
या वीकडेज में पार्टी होती है कभी कभी। 2 तारीख को यहाँ पे ग्रैंड इवेंट है तो उस वक्त हम यहाँ पे जाएंगे, पर उससे पहले हमें यहाँ से नीचे जाना है। नीचे जाने का रास्ता भाई यहाँ से, ओके। तो यहाँ से होते हुए हम जाएंगे नीचे। तो पिछली बार भी मैं आपको बताऊं कि जब मैं गोवा आया था तो कई बार मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, कई बार मैं इस जगह से निकला हूँ और मैंने यूकीओ का बोर्ड भी देखा यहाँ पे, लेकिन पता नहीं मैंने कभी सोचा नहीं कि ये जगह इतनी खूबसूरत हो सकती है। और हमेशा इस देख के यहाँ तक आके यहाँ आगे तक भी गया हूँ, मैंने काफ़ी सारे शूट किए हैं। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग में देखोगे तो आपको ये यूकीओ का बोर्ड दिखेगा। अब आइए मेरे साथ में, मैं दिखाता हूँ। व्लॉग की खासियत ये है कि इस वक्त जो ऑडियो आप सुन रहे हो मेरी, वो 35,000 रुपये के माइक से सुन रहे हो। ये जो माइक आप मेरे कॉलर में देख रहे हो, ये DJI का नया माइक लॉन्च हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा माइक है ये, बहुत ही पोर्टेबल है, वायरलेस माइक है ये। तो सारे व्लॉगर्स आजकल इसी माइक को यूज़ कर रहे हैं, जो ऑडियो के शौकीन है, जिनको बहुत अच्छा क्लियर क्रिप्स ऑडियो चाहिए। पिछली बार जब मैं इस बीच पर आया था तो मेरी वॉइस जो है काफ़ी ब्रेक हो रही थी, बिकॉज हवा बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर और मेरी ऑडियो चक्कर में जा रही थी। तो इसमें माइक के साथ में जो ऊपर यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, जिससे कि आप जो भी बात करोगे आपकी आवाज़ बहुत ही क्लियर इसमें से आएगी। तो आज दोनों काम होने वाला है, व्लॉगिंग भी होने वाली है और इस माइक की टेस्टिंग भी होने वाली है। माइक लगे करीब करीब 20-25 दिन हो गए, मैंने शौक से लाया था माइक ये, और एक बार भी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। और मुझसे ज़्यादा यूज़ जो है मेरी डॉटर रायना करती है इस माइक का, क्योंकि वो भी एक अच्छी यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम ब्लॉगर है, काफ़ी सारे रील्स वो बनाती है इस माइक से। तो मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन लगी है। आपको अगर वाकई में इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगे तो कमेंट तो ज़रूर डालो यार, मालूम तो पड़े कि वाकई में आपको भी ये ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी लग रही है कि नहीं जितनी मुझे अच्छी लग रही है। इस माइक की एक और खासियत है कि जैसे आप एयरपॉड यूज़ करते हो ना, कि आपका एयरपॉड में आप जो है अपने ईयरफोन्स को एयरपॉड में डाल देते हो और वो चार्ज होते रहते हैं उसी में, और बाद में उसे आप जब चार्ज करें तो फिर से उस डिब्बी में डाल देते हो, वैसे ही इस माइक के साथ में भी एक एयरपॉड जैसी डिब्बी है, बॉक्स है, जिसमें आपके दोनों माइक, दो माइक और एक रिसीवर है, दोनों माइक आप उस बॉक्स में डाल दोगे तो अपने माइक जो है अपने ऑटोमेटिकली चार्ज होते रहेंगे। ये बेस्ट खासियत है। दूसरी खासियत इसकी ये है कि एक बार चार्ज करने के बाद में ये करीब करीब 14 घंटे चलते हैं नॉन स्टॉप, 14 आवर्स। तीसरी खासियत ये है कि जैसे ही आप डब्बे के बॉक्स को ढक्कन ओपन करते हो, तो ओपन करते ही रिसीवर और माइक एक दूसरे के साथ में फटाक से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबी है, जो कि अब तक के किसी भी माइक में ऐसा फीचर्स नहीं है। इससे पहले रोड ने वायरलेस माइक बनाया था, लेकिन इसके सामने ख़त्म है बॉस, ख़त्म है, कोई दूर दूर तक रोड की क्लास ही नहीं है DJI के सामने, मार्केट पूरा हिला डाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऑडियो से ही आप समझ चुके होंगे कि कितनी क्लियर इसकी वॉइस है। तो दोस्तों इस वक्त जो है DJI माइक का एक और टेस्टिंग करूँगा, कैमरे से काफ़ी दूर जाऊँगा और मैं देखूँगा कि मेरी ऑडियो कितनी क्लियर आ रही है। तो इस वक्त जा रहा हूँ मैं दूर यहाँ से, और चलते चलते बात भी कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इस वक्त आपको मेरी कितनी क्लियर ऑडियो आ रही है, क्योंकि हवा भी बहुत ज़ोर से आ रही है और मैं नहीं जानता कि ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही कि नहीं दे रही है। पिछली बार जब मैं गोवा आया था 15 दिन के लिए, तो मेरी बैंड बज गई थी, और वो हुआ ऐसा था, पानी मैंने 15 दिन पिया ही नहीं, बहुत कम पानी पिया, उससे जो थी पूरी बॉडी मेरी डिहाइड्रेट हो गई थी, और साथ में मुझे आईज़ में भी इन्फेक्शन हो गया था, आईज़ मेरी बहुत ड्राई हो गई थी। तो इस बार ये गलती नहीं करूँगा, पानी की बॉटल जो है साथ में कैरी कर रहा हूँ मैं, ताकि तीनों दिन बराबर दिन में 2 या 3 लीटर पानी पीऊँ और ड्रिंक ना पीऊँ। ड्रिंक ज़रा भी अभी तक मैंने नहीं पिया है, तो पानी से ही अपने आप को हाइड्रेट रखूँगा। मैंने ये बोर्ड जो है पढ़ा है और मैं स्पेलिंग को पढ़ नहीं पाया, इस बार पता चला कि एक्चुअल नेम क्या है, इसका नाम यूकीओ है। लेकिन अगर मैं कैमरा रोटेट करता हूँ, आप इसे क्या पढ़ेंगे जरा देखो, जरा एक बार ये देखो क्या पढ़ेंगे आप इसे, विचित्र सा ही ये लग रहा है कि क्या लिखा है पता नहीं, बट ये जो है इस बार समझाओ कि अंदर की तरफ से पढ़ने के लिए लिखा है, बाहर की तरफ से आप इसे पढ़ोगे तो कुछ भलता सा ही नाम हो जाता है। तो कई बार आया हूँ मैं यहाँ पे शूट किया, और मैं हर बार सोचता हूँ कि ये क्या नाम है, ये कौन सी होटल है यार। चलो ठीक है, आपको बता दूँ कि ये यूकीओ है।
सनबेड मुझे मिल गया यहाँ पे, जहाँ की बहुत अच्छी प्राइवेसी है और यहाँ से जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। एक बार कैमरा रोटेट करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ सामने कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये देखिए, तो जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिल गया है। अभी करीब 4-5 घंटे इधर ही बैठेंगे और चिल आउट करेंगे। हर बार जब मैं गोवा आता हूँ तो एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक पूरे दिन मैं बीच पर रहता हूँ, तो एक ऐसा बैग चाहिए जो कि वाटरप्रूफ हो, जिसमें काफ़ी मेरे काम के सामान जैसे कि कैमरा, मोबाइल, कैश, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें, स्पीकर, बहुत सी चीज़ें जो मेरी रहती है। तो पिछले काफ़ी सालों से एक हांगकॉन्ग से बैग लिया था वो मैंने, बट काफ़ी यूज़ किया मैंने उसे, लेकिन वो मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगा। उससे चीज़ें अनपैक करने और पैक करने बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। तो इस बार जो है ये एक नया बैग मैंने परचेज़ किया है, आर्कटिक हंटर, जो कि 3000 रुपीज़ का अमेज़ोन पे था और अभी सेल चल रहा है, तो मुझे ये 1950 या कुछ 1980 में मुझे मिला है। तो चलो दिखाऊंगा आपको कि इस बैग में कितना कुछ सामान आप कैरी कर सकते हो, इसे अनपैक करके दिखाता हूँ मैं। तो ये है, पहली बात तो ये पूरा IPX6 वाटर प्रूफ है। दूसरी बात, ये इस तरीके से खुलेगा, यहाँ पे हार्ड शेल है, अगर आपका यह बैग गिर भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या क्या दिखाता हूँ, ये मेरा 35,000 रुपये का माइक, वॉलेट, स्पीकर, DJI ओसमो पॉकेट कैमरा, मोबाइल चार्जर, GoPro की बैटरी, यूटो, और की फिट करने के लिए इसमें एक कीचेन दिया हुआ जिसमें अपनी की को फिट कर सकते हैं, मेरी बाइक की है, और साथ में ये पावर बैंक। इतना कुछ अंदर, काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और प्लस यहाँ पीछे भी एक चोर पॉकेट, कैश डाले मैंने यहाँ पे, तो कुल मिला के ये चीज़ जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो आप भी अगर बीच पे जाते हो, घूमते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो एक छोटा सा बैग को ज़रूर कैरी करें। और इसमें एक मुद्दे की बात, iPad जो है वो भी यहाँ पे आराम से, ये iPad के लिए दिया है, iPad पूरा इसमें आप डाल सकते हो, तो बहुत ही काम की चीज़ है यार। जब भी कभी आप भी बीच पे जाते हो या कहीं ट्रैवल करते हो, गो फॉर इट। बज चुके हैं शाम के 4:51 और मैं हूँ अश्वेम बीच पे। पिछली बार जब मैं अश्वेम बीच पे आया था तो मैं प्राणा कैफ़े में गया था, आपने प्राणा कैफ़े का वीडियो देखा होगा, प्राणा कैफ़े का मैंने एक रील भी बनाया था, इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। तो इस वक्त मेरे जो ठीक पीछे है वो वहाँ पे, दैट इज़ प्राणा कैफ़े। प्राणा कैफ़े में लास्ट टाइम जॉर्जी में आदित्य और गौरव सब लोग बैठे थे यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत सी सनसेट हमने यहाँ से इंजॉय की थी। और आज संजोग से अश्वेम बीच से चलते चलते फिर भी इस बार वापस से इसी प्राणा कैफ़े के सामने आ गया हूँ। वहाँ पे बैठ के मैंने एक स्लो मोशन वीडियो शूट किया था और आज फिर यहीं पे खड़े होके एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे सामने इस वक्त जो नज़ारा है मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ ये प्राणा कैफ़े है, इसके सामने ये एक बहुत अच्छा सेटिंग एरिया है, और इसके ठीक सामने जो है छोटा सा एक लेक बन चुका है, समंदर का पानी वहाँ से घूमते हुए यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। पर पता नहीं लोग वहाँ पर किस जगह से, किस बीच से होके गए, मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए एक छोटा सा आइलैंड जैसा बन गया है वो, अगर आप देख सको मेरे ठीक बैक साइड पे। तो वहाँ पे जाने के लिए आप यहाँ से नहीं जा सकते हो, और यहाँ पर भी एक छोटा सा एक आइलैंड जैसा बन गया है, तो एक छोटा सा जगह है जहाँ पे वो फुटबॉल खेल रहा है लड़का, अगर आप देख सको तो। यहाँ पे एक आइलैंड, वहाँ पे समुंदर, यहाँ पे लेक, और यहाँ पे प्राणा कैफे। दोस्तों इससे बेहतर व्यू और क्या हो सकता है। यही खासियत है गोवा की कि आप जब कभी भी यहाँ पे आते हो ना, तो हर बार कुछ नया, कुछ अजीब, कुछ अद्भुत सा दृश्य देखते हो, और वो दृश्य देख के एकदम मेस्मराइज हो जाते हो, पागल से हो जाते हो। तो इस वक्त ज़्यादा बड़बड़ तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हर बार मैं बोलूँ कि यार बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है, तो वो थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तू बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलता है, तो बोलता हूँ क्या करूँ, मेरी हिंदी बहुत उच्च लेवल की है तो है। अब मैं वो लोकल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादा बात ना करते हुए बस सीधे से कैमरा रोटेट करता हूँ और शाम का ये खूबसूरत नज़ारा जो है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए,
टाइम लैप्स आप देख चुके हो। जैसे ही शाम होती है, सूर्यास्त होता है, सभी पक्षी जो होते हैं अपने घरों पे फिर से एक बार लौट जाते हैं। तो वैसे ही कुछ हालत मेरी है इस वक्त। सूर्यास्त हो चुका है और मेरे भी घर जाने का वक्त अब हो चुका है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इस वक्त मैं कितना खुश हूँ। करीब करीब एक साल के बाद इतना ब्यूटीफुल सनसेट, इतना ब्यूटीफुल पूरा दिन मेरा बीच पे गया है। बहुत ही खूबसूरत सी याद अपने साथ लेके फिर से एक बार मैं अश्विन बीच से अपने घर की ओर बढ़ रहा हूँ। रात को मुझे पता नहीं कि आज कोई पार्टी है या नहीं है, अगर होगी तो डेफिनेटली उसे भी शूट करूँगा और आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा।